मुंबई में भारी बारिश हो रही है, शहर के कई इलाकों में पानी भर रहा है। बारिश की वजह से सड़कों पर शाम से ट्रैफिक की रफ्तार पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। अगर आप देश के किसी कोने से मुंबई जा रहे हैं या मुंबई में रहते हैं तो जानकारी लेकर ही घर से निकलें, क्योंकि बारिश का पानी लगातार शहर में भर रहा है। आगे ये बारिश जारी रही तो लोकल ट्रेन से लेकर बसों तक की आवाजाही पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो बारिश की अलग अलग जगहों पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई के मलाबार हिल में मौजूद हूँ, ब्रिज कैंडी अस्पताल के सड़क की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। यहाँ सड़क पर 2 से 3 फीट का पानी जो है वो भर गया है, और ठीक सामने अगर आप तस्वीर देख पाए तो सामने ही अस्पताल का गेट नजर आ रहा है जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। आने जाने वाले लोगों को खासा मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में पिछले 3 से 4 घंटे से लगातार बरसात जारी है। मौसम विभाग ने पहले ऑरेंज अलर्ट दिया था, लेकिन अब इसको रेड अलर्ट कर दिया है, और तस्वीर ऐसी है कि मुंबई की सड़कें नदी में तब्दील हो गई है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। देखिए, मुंबई में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कल सुबह 8:30 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट है। मुंबई में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। मुंबई में कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं, और इसीलिए रेड अलर्ट मौसम विभाग का मुंबई में बारिश को लेकर। कल सुबह 8:30 बजे तक बारिश का रेड अलर्ट, रुक रुक कर लगातार कई इलाकों में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल जमाव की स्थिति। ABP News आपको रखे आगे।